A very warm welcome to the students of class 12. This is our class 4 business studies. We are on our unit number 5 that is organizing. This is our lecture number 17. In our last lecture, we have discussed organizational structure and its two parts that is, one is functional organizational structure, another one is divisional structure. So, in our today's lecture, we are going to discuss the formal and इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बट फॉर टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डीपली अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिफोर वी स्टार्ट आर टॉपिक दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लेट मी टेल यू वट फॉर्मल रिलेशन आर द रिलेशन जहाँ पर आप क्या करते हैं आप इंडिविजुअल्स के साथ रूल्स रेगुलेशन में बाउंड होकर के जो है एक रिलेशन को फ्रेम करते हैं यहाँ पर कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता है हेयर देयर इज नो स्पेस फॉर इमोशन सो एज द फॉर्मल रिलेशन इंडिकेट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं फॉर्मेलिटीज या उन्हीं फॉर्मल बाउंडेशन से बेस्ड होकर के एक ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको ठीक तरीके से अटेन कर पाए अकम्प्लिश कर पाए मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ये दोनों के दोनों क्या थे फॉर्मल स्ट्रक्चर के ही पार्ट थे जिसमें हमने हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल अपनी अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिसाइड करके उनको दी हुई थी एंड अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब लिखी होगी तो वो उन एक्शंस को ही परफॉर्म करेंगे और सबके साथ में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है हम उसको फ्रेम कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ में जिसका मेन मोटो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना जैसा कि मैंने बताया कि वो डिजाइन किया जाता ताकि मैनेजमेंट अपने अकम्पलिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सके अटेन कर सके अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है सबसे फर्स्ट पॉइंट पे दैट इज़ सिस्टमैटिक वर्किंग सी एज आई टोल्ड यू क्योंकि मैंने अथॉरिटी सभी लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी इंडिविजुअल्स की डिसाइड कर दी थी तो इसकी वजह से क्या होगा सबके जो रिलेशन्स हैं वो आपस में कैसे हो जाएंगे स्पेसिफिक हो जाएंगे तो इस वजह से क्या होगा सब अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा एक कोऑर्डिनेशन जो है हम बहुत अच्छा फ्रेम करेंगे जिसकी वजह से सिस्टमैटिक तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो पाएगी नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ इज़ इट अ टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्लान क्या है जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए थे ना उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम फॉर्मल को बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इमपर्सनल एंड डजेंट टेक इन टू कंसिड्रेशन इमोशनल आस्पेक्ट्स ऑफ सी इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती यानी कि जहाँ पर फॉर्मल रिलेशन रूल्स और बाउंडेशन नहीं होते जहाँ पर टू इंडिविजुअल्स कैन शेयर दर इमोशन शेयर दर फीलिंग तो यही एक चीज़ जो है वो लैकिंग है आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमोशंस या किसी भी और तरीके के एम्प्लॉयज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसिडर नहीं करती है वट दे एक्चुअली मीन्स टू हैव इज देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल रिलेशन को बिल्ड करने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है ना ही वो इनके इमोशनल बैलेंस के ऊपर आस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो ध्यान देती है इसी वजह से सुपीरियर सबोर्डिनेट ही रिलेशन जो है वो हमेशा बन करके रह जाता है फ्रेंड्स वाला जो रिलेशन है या फिर कोऑर्डिनेटर्स का जो रिलेशन है वो कभी भी बन करके ऑर्गेनाइजेशंस में बन करके बाहर नहीं आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा सुपीरियर सब को ऑर्डर करेगा और सबॉर्डिनेट्स आर अलाउड टू ओनली फॉलो दोज ऑर्डर्स सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी बताई गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है और सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना है दिस इज वॉट दे आर मेंट टू डू अदरवाइज दे कैन नॉट डिस्कस देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन और देयर पर्सनल डाउट्स

टॉप लेवल से ही डेलीकेट की जाएंगे नीचे वाले लेवल्स को जिसके पास में अथॉरिटीज़ हैं ही नहीं वो क्या किसी को अथॉरिटीज़ दे सकता है सपोज कीजिए मेरे पास हंड्रेड रुपीज़ हैं तभी तो मैं किसी को फिफ्टी रुपीज़ दे करके ये बोल सकती हूँ ना कि आप ये काम करो अगर मेरे पास में हंड्रेड रुपीज़ है ही नहीं तो क्या मैं किसी को ये बोल सकती हूँ कि आप फिफ्टी रुपीज़ लेकर के ये काम करो नो no. सो so इसी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिनके पास में सारी मेजर अथॉरिटीज़ होती है डिसीजन मेकिंग की पावर्स होती हैं सिर्फ वही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपको अथॉरिटीज को डेलीकेट कर सकते हैं और इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे फ्रेम भी कौन करता है आपका टॉप मैनेजमेंट करता लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सके कंट्रोल कर सके लास्ट पॉइंट इन आर फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव इज इट इज क्रिएटेड विद द मोटिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि हर बार से मैं बताती आ रही हूँ आपको मेरा मेन ए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा मेन मोटो क्या होगा मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने प्लानिंग में सेट किए हैं मुझे उन्हें अचीव करना ही है लेट्स स्टार्टेड विद एडवांटेजेस ऑफ़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट

विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन विदाउट एनी मेसीनेस बहुत ही ईजिली फिक्स की जा सकती है फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम जो होगा उसी के अकॉर्डिंग उनके पास में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ये जो रिलेशन है ये जो कॉम्बिनेशन है इसको फिक्स करना बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं होने वाला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि यहाँ पर क्या है एक टॉप में है फिर टॉप से नीचे आपके मिडिल है मिडिल से नीचे फिर आपके लॉवर्स हैं इस तरीके से आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है आपने बना के रखा है तो सबसे पहला जो कंट्रोल आएगा वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में आएगा उसके बाद जो कंट्रोल आएगा वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में आएगा देन लास्ट वन इज योर लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है इन इसी तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को भी डिवाइड करते हैं तो ये काफ़ी क्लियर एक पिक्चर जो है आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन का बन करके आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क सी जैसा कि अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया अलग अलग तरीके से सबके अपने अपने फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो गए तो जिसकी वजह से क्या होगा कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एक्शंस नहीं होगा कोई भी काम दोबारा से परफॉर्म नहीं होगा एम्बिगलिटी ऑफ रोल जो है वो नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मेंबर्स जो हैं अपना अपना रोल अपनी अपनी ड्यूटीज़ को काफ़ी अच्छे से प्ले करेंगे और सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ को ही परफॉर्म करेंगे कोई किसी और की ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ मेंट टू बी ओनली फॉर मार्केट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यानी कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है किस तरीके से प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाना है इसी रिगार्डिंग सोचने का है जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर सोचने का है कि किस तरीके से मोर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम जनरेट कर सकते हैं ऑन लेस कॉस्ट एंड वी केन इन्वेस्ट मोर वी केन गेट मोर आउटपुट फ्रॉम द आर इन्वेस्टेड पॉइंट्स आई मीन इन्वेस्टेड मनी से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले सकते हैं और कैसे मिनिमम कोस्ट के ऊपर हमें मैक्सिमम अमाउंट जो है मार्केट से रेस करने मिल सकता है इसी तरीके से आपके जो डुप्लीकेशन ऑफ एक्शंस हैं वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इसकी एक एडवांटेज है नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड सी यूनिटी ऑफ कमांड जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में समझाया था स्टूडेंट्स रिमेंबर हैंनरी यू ऑल के यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल जो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको कमांड करेगा मिडिल वाले को मिडिल वाला जो है वो कमांड करेगा किसको लोअर लेवल को और इसी तरीके से ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये मेंटेन्ड रहती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्यों क्योंकि यहां पे फॉर्मल रिलेशन बिल्ड है टॉप मैनेजमेंट आर मेंट टू गेट टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द लोअर वन एंड देन टू द लोअर वन इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इनको लेड की गई है डाउन वाले को वो ऊपर वाले को अपनी अकाउंटेबिलिटी देंगे आंसरबिलिटी देंगे और उससे ऊपर वो देंगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो रिलेशन है एक यूनिटी ऑफ कमांड का वो काफ़ी अच्छे से हम मेंटेन करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट पॉइंट इज एफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल जो कि मैं बिल्कुल शुरू से बता रही हूँ जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन मोटो ही क्या होगा ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं पर्सनल रिलेशंस भी फ्रेम नहीं करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स में कहीं कोई रुकावट ना आ जाए लास्ट पॉइंट इन आर एडवांटेजेस वी हैव इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लेके आता अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो बिहेवियर होगा ना एम्प्लॉयज़ का वो काफ़ी फेयर होगा प्रिडिक्टेबल होगा सेंस क्योंकि उनके स्पेसिफिक रोल्स जो हैं बनाए गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट फाइनेंस का है एच का है मार्केटिंग है इनके सबके स्पेसिफिक रोल्स बनाए गए हैं तो जिसकी वजह से कौन क्या फंक्शन करेगा कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सभी को पता है और इसीलिए सब एक दूसरे को क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलना है उन्हें बहुत ही अच्छे से पता होता है एज लाइक like, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाले को यही बोलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमम फंड जनरेट हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले यही बोलेंगे कि मुझे मैक्सिमम फंड दो तभी जा करके मैं अच्छी मार्केटिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च कर पाँ इसी वजह से जो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है इसमें डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम है इसमें जो हैं वो डाउट्स आने के चांसेस बहुत ही कम है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए जिस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको लंबे टाइम तक चला के रखने के लिए फॉर्मल रिलेशन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फॉर्मेलिटीज को फॉलो करेंगे तभी हम सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के रिलेशन को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे बढ़ते हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहला पॉइंट जो है जो कहता है कि ये डिसएडवांटेजेस है बहुत बड़ी कि ये डिले करता है चेन ऑफ कमांड में यानी कि आपके टॉप मैनेजमेंट जैसे कि बताइए आपके टॉप मैनेजमेंट है टॉप मैनेजमेंट से नीचे आपके लोअर मैनेजमेंट है इनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उन्हें इनको अपने ऊपर वाले अपने से सुपीरियर लेवल्स को डिस्कस करना होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि डिले हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में डिले जो है जो कि आपके एक्शंस को और ज़्यादा डिले कर देगा जिसकी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा टाइम तक बढ़ेंगी और सॉल्यूशन जो है वो होते हुए भी आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ये जो डिले इन चेन ऑफ कमांड है जिसकी वजह से आप कमांड्स ऊपर से नीचे वाले लेवल तक फॉरवर्ड करते हो उसमें भी कम्युनिकेशन में टाइम वेस्ट होता है यानी ऊपर से पहले मिडिल लेवल पे आएगी कमांड कमांड मिडिल से फिर लोअर पे आएगी लोअर से फिर और ज्यादा वर्किंग स्टाफ तक जाएगी नेक्स्ट डिसएडवांटेज रिजिड पॉलिसीज रिड्यूस क्रिएटिविटी सी रिजिड पॉलिसीज क्यों है क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर की हर किसी का अपना अपना रोल डिसाइडेड है जबकि कुछ कंपनी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे सपोज़ कीजिए मेरे पास एम्प्लॉय ए है जिसको कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखा हुआ है एम्प्लॉय बी है जो कि मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है एम्प्लॉय सी है जो कि मेरा एचआर डिपार्टमेंट में है ओके okay. क्योंकि मैंने सबकी अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं इसीलिए अब कोई भी एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करता है ना ही एक दूसरे को कोई भी सजेशन्स या कोई भी फीडबैक्स देता है जिसकी वजह से क्या होगा कि क्रिएटिविटी जो इंडिविजुअल्स की है जैसे सपोज कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं हैं उनके पास में कोई क्रिएटिव है कि किस तरीके से अच्छी मार्केटिंग स्कीम्स को हम लॉन्च कर सकते विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेकिन वो उन्हें नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते क्योंकि इनका काम क्या है कि सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट तक ही है तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को अंडरटेक करना है ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई भी अपना इंटरफेरेंस रखना है और ऑर्गेनाइजेशन की इन्हें रिजिड पॉलिसीज की वजह से डिफरेंट जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिएटिव रिलेशन को फ्रेम नहीं कर पाते हैं लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ये मोर एम्फोसिस करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप लाइक क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि इंडिविजुअल ह्यूमंस के ऊपर यानी हर एक इंडिविजुअल को एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट करने के इंस्टेड वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट वाले रिलेशन को ही ट्रीट करते हैं जैसा कि मैं बता रही थी कि इमपर्सनल रिलेशन उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं होता है इमपर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं तो इसी वजह से इमोशनल बैलेंस या इमोशनल अटैचमेंट भी जो है वो इंडिविजुअल्स का कंपनी के साथ या कंपनी के इंडिविजुअल्स का एक दूसरे के साथ में नहीं हो पाता है जो कि एक काफी बड़े स्टूडेंट्स तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जिसके अंदर हमने कवर किए हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ formal organization.